जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही शानदार कहानी। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनना जी, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुन पूरी सुन जना ही ध्यान पड़े जब तक अधूरी सुनिया तो कोई फायदा ही कौन मिले। हाँ कहानी पूरी सुनना पड़े। और एक दूसरी बात और वह कहानी को घरो देवे ने जब कहानी कहने वाला बढ़िया लगे वास्ते थे हम घरों दिया जी। चलो कोई बात को घरों में देते तो कहानी तो कह घरों में देते हो जय हूँ घर दे। तो एक सेठ हो भी सेठ के मान लें बेटी हुई। अच्छा बेटी हुई तो भी और टाबर को नहीं हुआ बेटी हुई जना सोचो कि भाई जगह पक्षी बने पक्षियां ने पानी गाल करे पक्षियां का परिंदे मानो ले जार बिन गुंटी थी क्यों दी गुंटी। अच्छा क्या भाई दूसरों टाबर कोई सागे खेल वालों को नहीं वास्ता पक्षियां की बोली समझ सी पक्षियां के परिंदे को गुंटी दे दी ने। अच्छा अच्छा वास्ते जी हाँ पक्षी बोली ना बाकी हर बात समझ जाए कि वो पक्षी काई की हो अरे पक्षियां कह आपस के मान पर ये मुझे आए। अच्छा एक मतलब जहाँ टाबर जल में है बेटे घुंटी देवे है घुंटी तो भी घुंटी को असर जरूर हुआ है। जरूर हुआ है कह आप और घुंटी क्यों दिरावे। अच्छा कह तू घुंटी दे दे जो को थरजिश हो जाए थरजिश हो जाए बिका थोड़ा बहुत पूरा नहीं थोड़ा बहुत गुण जरूर मिल जाए। जना बिने मतलब है वो जो पक्षियों को पानी वालों ना बिने परिंदो परिंदो के दो चे वो मान ले पक्षियों ताई पानी गल करे नहीं ए कई भाई मान ले गलेड़ो रखे अलग अलग जगह कई पेड़ पर टांकेड़ा रखे तो ऐसा भी पानी की घुंटी थी भी पानी की घुंटी थी। चल बता कहानी बता। तो पक्षियों का परिंदो मुंह बिन घुंटी दी तो वाह वाह बड़ी उन लागी दो चार साल की पाँच साल की गिवे पक्षी जिया ही भाई बारे गुआड़ी कमाने उड़ता करता बोलता ना भी समझ में आती हर बात। अच्छा। क्या भाई ये पक्षी कहीं बोल रहे कहीं के वे बाद में वाह बड़ी बाद में स्कूल में गाल दी स्कूल में गाल दी तो वाह पक्षियों ने बोली तो समझती। अच्छा और वाह स्कूल में गाली तो आप पढ़ाई भी वाह पढ़ ली पूरी पढ़ ली भाई सोलह सत्रह साल की होगी ब्याह वाली होगी सही है ब्याह वाली होगी जना सेठा ने क्योंकि भाई अब भाई को ब्याह करो तो सेठ खुद भी पिसा लो जो बढ़िया ब्याह कर सो भाई ठिकाणो भी भाई की खातर बढ़िया ढूंढा पर एक ही बेटी तो सेठ गयो कंचनपुर नगर हो जना बट गयो वो सगाई करण खातर कंचनपुर कंचनपुर गयो। अच्छा अच्छा कंचनपुर गयो तो बट जार भाई पूछो न बुनने जना क्यों क्यों भाई बां फलाने सेठ जी गए क्यों बेटो है गए ब्याह वालो पूछ लियो जना सेठ जार क्योंकि भाई थंग लड़को बतायो और मैं आयो हूँ मारी बाई को ठिकाणो करण ने। अच्छा जो को थंग लड़का को कटे संबंध नहीं करेड़ो है जना तो बात आगे चलाऊ नहीं तो क्या भी चलाऊ सही है जना वाह क्यों ना कौन करेड़ो ठिकाणो ठिकाणो कौन करेड़ो क्योंकि भाई घर बैठे वो क्या करे लक्ष्मी आज वजना चाहिए जाई काई सही है भाई थे घर बैठे आया वो लड़की देने ने तो मन काई चीज जाएगा और जना वाह बाई को ठिकाणो वाह सेठ का लड़का कर दियो कर दियो जने क्यों भाई देखो लड़की सोलह सत्रह साल की होगी तो ब्याह भी साल भर में तो करा जना ही वह सही है सेठ क्यों भाई मार बाह तो बोले अब भी कर दियो मारे तो कोई दिक्कत को नहीं क्यों सही है जे क्यों ठीक है कोई बात को नहीं मैं घर जा रही बात चेत कर थाने बता देसूंगे कद ब्याह करा का ही करा सही है जना वहाँ घर जा रही क्योंकि भाई बाई को ठिकाणो तो करे हो क्यों बढ़िया नगर सेठ पिसाणो है अरे एक ही भी का लड़को है। अच्छा और मैं ठिकाणो करी आयो बढ़िया बात है बढ़िया बात है ठिकाणो करी आया तो जाए चार छः महीना निकलिया जाने क्यों भाई अबे ब्याह मार दे वहाँ बिल्कुल ब्याह मार दे जना पंडित ने बुलायो पंडित लगन लेर जाया करे पहले काम पंडित ही करया करता है लगन लेर जाया करे तो पंडित ने बुलायो क्योंकि भाई बाई को साओ लिखो थे लगन लिखो लगन लिखो और देर आणु है था नहीं क्यों कंचनपुर नगर नगर सेठ है बाने नगर सेठ जना दादो वाह क्यों कहीं पिसाणो चोखो बो सेठ और पिसाणो आगलो जने क्यों कहीं तैयार हुआ दादो जाने चौकी सीख मिली चौकी दक्षिणा देशी चलना दादो वाह सुबह ही ओटर आपको नहा धो रे हुई त्यार रे सेठान करा आयो कह सुबह सुबह निकाई के वह कह पो पार्टी बर्बाद हुई जागी जिड़िया जागी जिया जून उठो राजा भरतरी दो चिड़िया ने चून कह सुबह सुबह चिड़िया ने चुगो देनो जरूरी है जरूरी है तो वह दादो आपको सो काम कर रे आई गयो जाए क्यों लियो भाई बाई को सौ लिख देवा लगन लिख देवा जा नारियल रे नारियल का सागा एक कागज में लिखेड़ो या कर तो कागज में लगन लिखा है
बहुत लिख करे वाह दादा ने क्यों क्यों लिख लियो तो क्यों दियो थे दियो जना दादो क्यों कि भाई अब तो शाम होगी क्यों पर मैं पुगूंगा नहीं क्यों मैं जाऊँ कल सुबह सुबह जस्यू जो को वाह टेम को पुग जाऊँ अच्छा जहाँ रात रात तो आपके घर वाह वो सौ लिखेड़ो लगन लिखेड़ो जो को मिल लियो अरे सुबह ही उठ ना तो अरे बामणी ने क्यों क्यों भाई बेगो ही जाऊँ जो को क्यों टेम को ही पुग जाऊँ पहली कोई गाड़ी घोड़ा होता वो नहीं हाँ टाइम से बेगो जगह दी उपाड़ो ही जानो हुआ जना से वाह बामणी क्योंकि भाई उठ जाओ ज्यादा दो करकुला दातन पूठरा कपड़ा पेर रे उजला रे ले सेठ के बेटी को लगन रे वो सौ और भी रुको जना बामणी क्यों गल भूख लाग जाली चार पलका पोर गाल दिया अच्छा कि भाई भूख लागे तो खा लिया क्योंकि उपाड़ो जावे जना पानी रोटी चीज है गाल दिया जना वादा दो आपको घर निकल गयो दर कुंचा दर मजला चालतन चालतन गले के मन भूख लागी जना रोटी जीम लियो फलका गलेड़ा पामणी का पानी पी लियो और आगे और भी रुक्यो अच्छा। भी रुक्यो तो आपको दिन थके थके पुग्यो पुग्यो जना टाबरा ने क्यों क्यों भाई नगर सेठ को घर कटे क्यों माँ यो बांगे सावो लेर अच्छा टाबर पे लिखवाड़ के मांग नहीं खेला करता खेलता का नहीं जहाँ दो चेहरे का अग गया दो चेहरे का लहरा गया चलो मैं बता दिया मैं बता दिया भाग्या ही गया क्योंकि देखो और ही हो और नगर सेठ को घर वो है जार बताया या मेरा टाबर तो वाह पाचा खेल लगा बामण दादू क्यों क्यों भाई मैं था लड़के को क्यों सौ ले रही हूँ लगन ले रही हूँ बढ़िया बात है क्यों क्यों लगन ले रहे हो तो क्यों अब तो गी शाम एर बिया तो शाम की टाइम का माने क्यों भाई क्यों मारे कोई दुकान आला और वजह का क्यों से अजय भाई क्यों दिन का मान दो से आपके काम पर गेड़ा बजना अब को नहीं इन वास्ते शाम वालों काम तो ठीक है क्यों जहाँ आपका जत्ता भी कोई सगड़ा आज करने कोई भाई ये तू लगा ताड़ा क्यों भाई मारे लड़के को लगन आयो है तो लगन चल रहे जना बुलाया करे बुलावे जा वासे ने नु तो दे दियो नु नाई ने क्यों कि भाई नु तो दियो हमारे लड़के को लगन आयो है जो को परिवार में है और है जान पहचान वाला है जका ने सब ने सन बुला लिया सन बुला लिया अरे वाह लड़के ने बाजोट पर बिठा रे लगन दियो लगन दे दियो रे वह सगड़ा जना क्योंकि पहली तो वो नारियल है जो को मेल दो भगवान की जगह आप पूजा करा करा बटे बिक बाद में जत्ता ही बड़ा बैठे था हूँ जका के सेंगे पाँ दो खा लियो अच्छा जहाँ वह लड़को सेंगे पाँ दो के खाई तो से रिपियो दो रिपियो रिपियो दो रिपियो तो पहली तो ये तो ना बैठे आज का सगड़ा भी ने लड़कन दियो दे दियो और बामण दा दो ही क्यों भाई बामण है जो को बामण ने की तो देवा सौ ले रहा है दक्षिणा देनी पड़े बामण ने सगला जना बता भेड़ा हो रहा जका बामण दा दन भी दियो अच्छा सही दिया अब बामण दा दन दियो जब बामण दा दन क्यों क्यों सगला के सामने ही सीख दे देवा के से देख लेवे अच्छा जा वा नगर सेठ हो पिसाणो हो जना बढ़िया बामण दा दन सीख दी चोको बामणी को बेच दियो चोको बामण दा दन ने पांचों कपड़ा दिया अरे अच्छा चोका भाई रुपया टका दिया अरे बामण दा दन सीख दे दी कि रात रात तो सोजो जी मर सुबह थका उठ जाए जो टेम सरे घर उठ जाओ जो जना बाबा मन दा दुरात रात रुक गयो चोखा जिमण जिमाया सही है चोखा बो कहेंगे हलुआ रे पुड़िया रे सब्जियां रे भांत भांत का रे पिसाला क्यों को नहीं जिमावे हाँ जिमा क्यों को नहीं रात रात रा कर सुबह बामा दा तो ताको भी रुक गयो अच्छा भी रुक गयो घर आयो जित ने भाई तावड़ो तपन लगे उस दिन घर पुग गयो पुग गयो जा रे बामणी ने क्यों क्यों कर तो क्यों नवा दोई कर लूँ रोटी पानी जीम लूँ और पच क्यों जार क्यों शेटा ने समाचार बता देऊंगा कल लगन दिए हो लगन दिए हो जावा दा दो ना दोर जीम जूट रे आराम कर रे पच गयो दोपहर बाद में क्योंकि भाई मैं लगन दिया यो बढ़िया मारा लाड कोट करया बढ़िया मैंने सीख दी क्यों बामणी को बेच दे दियो बढ़िया बढ़िया पिसा टका दे दिया बढ़िया क्यों मारा कपड़ा दे दिया की खातरदारी चौकी कर दी जोरदार खातरदारी करी बढ़िया परिवार है क्यों जोरदार जोरदार है बहुत ही भेड़ा ब्याह रे अच्छा दिया यो लगन दिया यो जमा ब्याह मांड दियो चौका लाड को ढूंढ ला गया रे चौको ब्याह वाला दिन आ गयो तो बढ़िया वाह गाजे बाजू रे एकदम ब्याह उगो अच्छा ब्याह उगो जाना सेठ के बेटे की बेटी ने वहां सीख दे दी पन्नार सीख दे दी जना वहां सास रे उड़गी चौको धन दौलत दिए दियो सेठ खुद पिसाणो को नहीं योजना सीख दे दी जा उड़गी सासरे अच्छा। सासरे उड़गी तो जार बस सुत्ती सुत्ती जना एक श्याड़ियो बोलियो अच्छा श्याड़ियो बोलियो और भी कहीं का हर बात ही जानवर की पशु पक्षियों की समझ मानती समझ मानती को कहीं बोल रहा है
जना वो शालियो बोलो क्योंकि भाई क्योंकि लास्ट तिरती आ रही है बिकि जांग के मायने हीरा है के अच्छा अरबे थारे लिखेड़ा है तो बा लास्ट की एक ब्राह्मण हो अच्छा एक ब्राह्मण को बेटो परदेश का मारा यो जन पहली ए चोर लुटेरा उता बेच जई जा सोचियो के यहां तो पिसा ले कोस ले सिया कोस ले सी एर वो आपको वा पिसा का हीरा खरीदया अच्छा हीरा खरीद और आपकी जांग के मायने डॉक्टर कनु भाई चिरो लगार बिलवा चिरो लगार बनवा लिया मतलब बनवा लिया क्योंकि भाई आंखों को डर को इंद्रिया है अच्छा 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 डर को इंद्रिया है तो वा वो आपको सुरक्षित कर लिया पिसान ने रे भी रुक्यो तो चार चोर आ जगह ने चोरान दो केटा काई सकवे काई नहीं वे जब वे चोर पहली तो भी टंटोले क्योंकि भाई पूरा कपड़ा तो जो कोई या तो पिसाण हो वो ही पहर सके तो परदेश में आयो जो भी चोखा कपड़ा पहरेड़ा कोई कन है तो की इनकी है तो सरू पर जीवन तो काटन देवे को नहीं ई वास्ते इन मारा जना वे अच्छा अबे चार चोर आ जगह बिन वामन वाले बेटे ने मारे फिर भी कल्ला दो की आत को नहीं अच्छा जहाँ नदी जगी नदी का मायने भी गिलास फेंक दी हाँ नदी में तिरा दियो और वह नदी भी सेठ आला बेटे के घर थोड़ी दूर आंत रहे अच्छा निकले मान ले नदी सारो कर निकले सार कर निकले अच्छा जना वो श्यालियो क्यों क्यों सकी सुती एक जागती जना क्यों क्यों कहीं क्या वह गए क्यों कहीं कहीं खून क्यों नदी के माने क्यों ब्राह्मण को बेटो को मारना गेड़ो भी ने मार चोर नाक दियो और भी की जांग का माना है हीरा हीरा और बे हीरा है थारे लिखेड़ा जो को लाश है वो तो मर तो गयो के मर तो गयो पर बे हीरा तू निकाल ले निकाल ले निकाल ले जा बा सोचो के सेठ के बेटे ने केसू जा तो आधी रात का वो क्या जान दे जान दे को ने किस किसी थार भूख गई सही है और जानू भी जरूरी है क्योंकि मारे लिखेड़ा तो मैं लाऊं बन जहाँ बाप आपकी छाने छाने ही निकली अच्छा और कोई रात हो जार भी कन वो को नहीं सेठ को बेटो तो ही जाग गयो कि भैया आधी रात का जावे कटे वो जी अम्बा गेले गेले जाए तो वो आपको थोड़ा थोड़ा आंतरा आंतरा जिया उजड़ उजड़ जावे लार जाओ उजड़ उजड़ कदे खा जावे कटे लुकेड़ो लार जावे तो वह नदी कन गई सीधी अच्छा वह नदी कन गई तो वो भी एक पेड़ के ओले खड़े और वो देखे कदे कहा नदी कन का ही करेगा लुकियो और लुकेड़ो ही बिन देखे देखे जना वह लाश आई तिरती तिरती अच्छा तिरती तिरती लाश आई तो आंता ही बातो बिने कह गए मुर्दो हड़को गणू वे थोड़ा सो कोई लकड़ी मुसारो देवन जतनी कि नारा जावे पानी कमाई तीरे हड़को लग गए वो पानी तीरे जावे नहीं वास्ते वो तीरे जना जना बाप कोई लकड़ी उं भी आं करियो जो वो तो किनारा आ गयो किनारा आ गयो तो और भी कन कोई रात हो जार तो हो कोनी एर क्यों ए दांत काई काम आसी बा काई करियो बा दांत ता हो एक जको बिंगी बा जांग फाड़े खाल फाड़ी बा खाल फाड़ रही हीरा काट्या अच्छा हीरा काट्या वो सेठ आलो बेटो देख लियो देख लियो देख लियो जना क्यों आ तो डाकन है क्या की लुगाई है क्यों आ मरेड़ा मुर्दा ही खाए जुको क्यों मरेड़ा नहीं आता है जिस दिन मारी गिरे है क्यों पहल बहुत तो क्यों गिरे तुम्हारी ये क्यों सेठ आला बेटे तो दूजना लागे बटे जान को शियो ताव ही चढ़ो ताव चढ़ गए क्यों अब तो घर तो बन जाऊंगी क्यों आ तो मन खसी गयो मैं घर जाऊंगा ना तो सेठ आलो बेटो तो छन्ने छन्ने ही आपको सिद्धो सिद्धो राजा कन गयो अच्छा अब राजा की सुरात ने थोड़ी बैठो रहे दरबार में जो बटे बार ले छड़े बैठ गयो पण क्यों घर तो मैं जाऊंगा घर जाऊं सेठ आलो बेटो आली बू आई तो आर देखे तो वो सेठ आलो बेटो तो वो कोनी करा वो कोने जाए क्यों बिन तो ठा पड़ गयो और गी तो क्यों अद्दा ही क्यों अब तो गिरे है क्यों मौत है क्यों वो देख ली अब मौत है क्यों कीम से ओपन अब कराई काई जना वाह बहुत तो सुबह ही एक जो उठी वो सेठ आल बैठो तो होको नहीं अरे वो गयो तो बे कोई राजा का दरबार ना जाए क्यों भाई रात ने कौन बैठे तू अच्छा क्यों कौन कहीं बैठे हूँ क्यों मैं फरियाद ले रही हूँ और बहुत ही जरूरी है क्यों जरूरी है फरियाद देनी तो क्यों रात ने राजा थोड़ी दरबार में बैठे हैं सुबह दे क्यों सुबह क्या हुए क्यों क्यों तू तो हल्ले ही आया जाने शियो चढ़ गयो क्यों संभल लो शियो ही चढ़ गयो क्यों मैं फरियाद भेजना जरूरी है क्यों क्यों गांव का के सगला की गिरा क्यों अच्छा जना क्यों मान ग्रां डाकन है सगला गांव का की गिरा क्यों जना क्यों कोई बात कौन तो बैठ के सुबह पहल बहुत क्यों फरियाद थारी सुना सिया थारी सुना सिया जना बैठे और जिया त्या सुबह हुई राजा ना दूर आपको बैठे दरबार मार बैठे जा क्यों भाई पहल बहुत फरियाद ही की सुनो क्यों बता क्यों बताऊं कहीं क्यों मारे लुगाई है जी की क्यों लुगाई क्या क्यों बड़ा डाकन है क्यों
कणे जो को बाकी मुर्दा खा मरेड़ा मुर्दा खावे तो मरेड़ा नहीं आता है जिस दिन बा पहली खासी मन मन और पच क्यों गांव का ये बारी है। अच्छा कहीं करो क्यों बिन तो क्यों थे सजा दे वो जना भाई क्यों मैं तो सोचूं के पासी की सजा दे दो भी। अच्छा जाने क्यों भाई रात क्यों बा आ कोई मैं क्यों सुनेड़ी बात को नहीं क्यों मां क्या हूं देखी हूं क्यों बा मरेड़ो मुर्दो नदीम तिरतो तिरतो आई और भी ने खावाई बा क्यों आंखें हूं देखी हूं क्यों बा मन कौन छोड़ क्यों मैं घर आई बन जाऊं क्यों जहाँ आप दरबार नारा जाला जुकान के भाई जाओ लियो। अच्छा लियो तो फिर घर आ गया आज ने क्योंकि भाई सेठ का बेटा के वो घर आए के क्यों हाँ घर आई हूँ भाई कट जाई और जाए क्यों भाई तन राजा बुलाओ बिन ठाओ अगर राजा तो क्या तई बुलाओ जो को तो ठाई हो ठाओ बिन तो ठाओ जाए क्यों कोई मरनू तो है पर क्यों कोई कचरो बुआरी करती हूँ का चालू पहली क्यों कर दा आज आज कोई बात को नहीं अति कहीं अड़ी है कड़ी से आज ठहर उड़ जी जहाँ बाग घर कोई कचरो बुआरी झाड़ू पोछो कर करा रहे सागे भी रुगी क्यों चलो भाई चलो चलो तो राजा कन गई जना वो राजा भी की फरियाद गाय सुनो वो पहली रो रो और क्यों वो जना क्यों फांसी पर चढ़ा दो क्यों चढ़ा दो जना बेजला आधा जगह लेर गया जना जार फांसी देने की तैयार करने लग गया जा क्यों भाई जो को मरे जगह की आखिरी इच्छा पूछा ग्राम में थारी कोई इच्छा है तो बता दे। हाँ की इच्छा बता दे कोई क्यों बता दूंगा क्यों मोटे आ रहे जुको तो क्यों खुद फांसी दिलवान लाग रहे जा इच्छा का ही बताऊँ मिलनू मन अटकी हुए कोई को नहीं मिलना दे दो थे फांसी दे दो जना बे फांसी देने की तैयारी करी जतने कागलो बोल्यो जना क्यों क्यों रात ही क्यों क्यों शिम्बू बोल्यो श्यालेन क्यों क्यों रात ही शिम्बू बोल्यो जो को फांसी के पंद्रह ताई पुगा दी अब तू का ही करू है जना क्यों क्यों अटपासी देन लाग रहा है इनके नीचे चार चरू है सोने का रिपिया हूँ मान लो सोना चाहनी हूँ बरेड़ा अच्छा वे तू काट ले क्यों मारे गाई करना है चरू को क्यों मन तो पासी देन लाग रहा है चरू अट मगा सिर मल्यो जब ये जल्लाद क्यों कि तू काई बात करे क्यों करे अट कोई मे चार हाँ चार हूँ पांच हूँ तो कोई मिन्ने की बने अट तू क्यों बात करे क्यों इन कागलों करूँ क्यों कागलों बात करे तू क्यों हाँ क्यों कागले को तन गाई ठा पड़ो क्यों मैं कोकिला शास्त्र पढ़े डी हूँ मन पशु पक्षी की बोली समझ में आवे क्यों आई तो अद्ध है नहीं क्यों क्यों जने वो क्यों रात रे वो सेठ को भेटो देख ली बा बात बताई जना जला दे क्यों क्यों जना का दिक्कत है क्यों तू एक रुख फांसी को कोई दिक्कत को नहीं क्यों बस सोच आ फांसी आड़ी तो अच्छा बे आपका गिनती पावड़ा लेर बटो खोद्यो खोद्यो तो चार चरू निकलिया सोने चाहनी हूँ रिप्या हूँ परेड़ा अबे जल्लाद ऊँच और बीर हो गया वीर हो गया जना राजा गन लेर गया क्यों क्यों थे चरू कटूँ लिया क्यों चरू कटूँ गाई लिया क्यों मैं सेठ के बेटे की बुके पासी देवार बा बताया। अच्छा बिन गाई ठापड़े प्यट चरू है क्यों बिन कागलो बोलियो और बा बताया क्यों बा कागले की बोली समझे क्यों समझे क्यों बिन ले रहो भाई हर कोई कहते क्यों समझ में ही कोई ना वा बात जब बिन ले आज ना बा पूरी बात बताई क्यों इया क्यों स्याले बोलियो और मन क्यों क्यों वो भाई तिरतो आवे जगह भी कह हीरा है जगह तू निकाल ले जना मत निकाले आराज पोज मारगन की वो को नहीं जा दाता हूँ खाल फाड़ी जा दाता हूँ फाड़ी एर आ क्यों मारो पति देव जो को देख ली देख लियो एर अब बार क्यों जी ही फांसी देन लग गया जी ही कागलो बोलियो तो मैं कागले की बोली समझ रे जना क्यों सेठ के बेटा ने क्यों रह गेला क्यों इसी विद्वान पत्नी तो क्यों तन ई जलम में तो कहीं क्यों साथ जलम ताई आगलाम को मिले क्यों गेला इनके पास ही दिरवावे तू पासी की तो टाल करे ए दो चरू ले जा तू चौकी जिंदगी बिता सागे अरे वाह सेठ के बेटे ने सेठ को बेटो सेठ के बेटे के वो आ गया घर अच्छा चौका पिसा वाह सोनू चानी हो कन्ने चौकी आपकी जिंदगी बिताई तो आ कहानी आपने किसी एक लागी जिकी कमेंट में बता दिया और बढ़िया लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया और आज के लिए तो राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। आ कहानी है कोकिला शास्त्र पढ़ेड़ी ही जना मतलब जानवरों की बोली भी क्या समझ में आ गई। चलो बढ़िया ऐसा मिलते हैं अगले वीडियो में पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।